morning again. Class part number OK basic mathematics के कुछ important rules के साथ में नंबर जाने के YouTube channel पर फिर से आ गया हूँ। तो ऐसे ही बच्चों का विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने कानून नियम पर आधारित कुछ important questions है जो दोनों ही क्लास में अक्सर अपने काम में आती है चीजें। ये तो ज्यादा है पूरा अपने आठवीं क्लास के लिए, नाइन्थ के बच्चों के लिए भी यहाँ पर बीसीबीएसई काम कर रही है। तो दोनों इम्पोर्टेंट संदेह यहाँ पर दो बटा सात की बात की, दोनों एक बटा दो सौ पावर की, इसको भी संदर्भ है। दूसरा चार बटा पांच की पावर चार यहाँ मल्टीप्लाई करके ध्यान रखिए, गुणा पांच बटा चार की बात हो, इसको भी संदर्भ है। तो आपको सल्व करने में क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज पावर यानी घातांक रूप में है उसके अगर आधार के अगर दो टुकड़े हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं, तो पहले तो उसके गुणनखंड बना रहे हैं। ठीक है, दो बटा सात गुणनखंड नहीं हो रहे, एक बटा दो गुणनखंड नहीं हो रहे, चार बटा पांच गुणनखंड नहीं हो रहे, पांच बटा चार गुणनखंड नहीं हो रहे। तो आप क्या कर रहे हैं, अब आपको देखना है कि आधार में अगर दो संख्या या दो से अधिक संख्या है उनका आधार सेम है तो काफी अगर समान या असमान के रूप जोड़ देते हैं। आधार समान होने पर दाते जुड़ जाते हैं, दाते समान होने पर आधार गुणा हो जाते हैं। यहाँ देखिए दो बटा सात एक बटा दो आधार सेम नहीं है, एक दाते सेम है, इसका मतलब है दाते सेम है इसलिए अपने क्या कर सकते हैं, दाते सेम इससे आधार को गुणा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इसमें आधार चार बटा पांच, पांच बटा चार, आधार सेम नहीं है, नहीं दाते सेम। तो अब समझिए कि अगर आधार सेम नहीं है और धार भी सेम नहीं है तो रूल तो कहीं ना कहीं लग सकता है, लगा लीजिए लगा हुआ। तो आपको कैसे लगा रहे हैं रूल कि जब आधार सेम नहीं है तो देखना है कि अगर कोई संख्या ए बटा बी है, अगली संख्या बी बटा ए है, तब आधार सेम है। समझे बात को, ए बटा बी में पहले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में वही संख्या है बी बटा ए की, जैसे ये पांच बटा चार अगर चार बटा पांच, ये चार बटा सात अगर सात बटा चार, तो उन दोनों जगह को आधार को सेम बना सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही आपको स्वास्थ्य करना होगा। तो यहाँ पर आपको आधार जो गाते से आधार को गुणा कर लेना है, दो बटा सात और एक बटा दो को गुणा कर लेना है और समान बात को लिख देना है, और जो रूल लगेगा उसको भी आपको साइन लिख देना है। अब देखिए दो से दो कट जाएगा तो एक बटा सात बचा, एक बटा सात की घात की मैंने बताया था, जब भी आधार की घात धनात्मक गुणा होती है तो आधार को उतनी बार लिख के गुणा करना है, एक बटा सात, एक बटा सात, एक बटा सात। अब एक बटा सात, एक बटा सात, एक बटा सात में ये सरलतम रूप में तो आप क्या कटेगा, सरलतम रूप में नहीं होगा तो आगे कटे की चीजें वो भी आ रही है, ऊपर एक हो गया गुणा हो गया नीचे सात का रूप जो होता है वो आपका तीन सौ तैयारी होता है, ये इस बार का उत्तर है। अब यहाँ आपके जो यूज वर्ब है ए की घात एम गुणा बी की घात एम बराबर क्या बनता है, ए बी की घात है एम, इसका प्रयोग हुआ है ए की घात है गुणा बी की घात है, घाटे सेम आधार है समान है, ज्यादा क्या करिए गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आधार सेम नहीं घात भी सेम नहीं है, तो मैंने बताया अभी सर कि आधार को सेम बनाने की कोशिश करनी है आपको। आधार जब सेम बने नहीं तब आप एक ही उपाय है कि आप इसको भी चार बार लिखो, इसको दो बार लिखो, फिर आप उसमें एक दूसरे को ऊपर नीचे करके तो काटो, फिर उसका करके ऊपर लिखो। लेकिन यहाँ जब ऊपर लिख दिया जाएगा सर की घातांकों और नियम का प्रयोग करिए, तो घातांकों और नियम का प्रयोग भी टाइम से हो रहा है, देखते रहिए आप। अब देखिए आपके चार बटा पांच की बात चार और यहाँ पांच बटा चार की बात, तो आधार सेम नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, मैंने बताया था ये रूल कि ए बटा बी की पावर अगर एम है तो आप इसको अगर बी बटा ए लिखोगे तो पावर क्या बन जाएगी माइनस है, यानी जब भी आधार को लिखोगे तो आपके घात को विपरीत चिन्ह की बन जाएगी, प्लस के माइनस की, माइनस की प्लस की। तो पांच बटा चार को जब उल्टोगे तो चार बटा पांच बन जाएगा, तो घात दो को आप क्या लिखोगे माइनस का। अब चार बटा पांच आधार है तो आपके घाते क्या हो जाएगा, आधार सेम होने पर जुड़ जाएगी, तो चार और माइनस दो कितना हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस, चार में से दो भी कितना बच गया दो, तो चार बटा पांच की घात दो करना है, चार बटा पांच को दो बार लिख के गुणा करना है तो कितना आएगा बच्चों, सोलह बटा पच्चीस, ये इसका आंसर है। यहाँ पर भी आधार सेम होने पर घाते जुड़ी है, ये तो इस चीज का प्रयोग हुआ है ए बटा बी की पावर एम जो कि उसको बी बटा ए करके घात माइनस वन बी, और दूसरी जो है वो है ए की पावर एम गुणा बी की पावर सॉरी ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम बराबर ए की पावर एम प्लस एम, आधार से हम घाते हैं समान घाते जुड़ जाएगी गुणा में, ये दो रूल यहाँ पर लागू है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। माइनस पांच की पावर तीन गुणा माइनस एक बटा पांच की पावर दो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपसे क्या है कि माइनस की पांच की पावर तीन है, माइनस एक बटा पांच की पावर दो है, तो आधार यहां पर डिसेबली है, घाते डिसेबली है, तो यहां आपको आधार सेम बनाया जा सकता है। वापस वही कारण ये कि जब किसी संख्या के आधार में कुछ नहीं तो इसकी वैल्यू तो एक मान लो। अब माइनस पांच बटा एक की पावर तीन है, ये माइनस एक बटा पांच है, तो आपको पता है कि इसको अगर आप उल्टोगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो यदि इसको अगर उल्टोगे तो आपकी पावर क्या हो जाएगी माइनस आती है। अब आपको दिमाग लगाना है कि आप किसको आपको चेंज करना है, आप किसी को भी चेंज कर लो, कोई यहाँ पर वो इम्पोर्ट अपने माइंड में नहीं रखता कि इससे क्वेश्चन का कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो माइनस पांच बट्टा एक की जरूरत है अभी, वो समझा नहीं देता। तो माइनस पांच की पावर के गुणा माइनस एक बटा पांच को आप देखोगे तो माइनस पांच बट्टा एक बनेगा, ठीक है। पावर दो है वो माइनस का दो बन जाए, क्यों? क्योंकि ए बटा बी की पावर एम बराबर सी बटा ए की पावर माइनस आ सकता है, वो सारे काम को लिख कह रहे हैं। अब भट्टे में एक और उसको लिखने की जरूरत है, नहीं पसंद करने बेटा। अब आधार दोनों का सेम बन गया है तो बातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो तीन और माइनस दो को छोड़ रहे हैं दोनों बच्चे। लेकिन यहाँ पर आपको पता है प्लस माइनस कोष्ठक से पहले बाद में चीन हो तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, माइनस पांच की पावर कितनी होगी तीन माइनस दो एक, माइनस पांच की पावर आप एक करेंगे इसका मतलब है आपको परेशान नहीं करना है, केवल उस चीज को ही लिखना है माइनस पांच आप पांच बार, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन बटा चार की पावर तीन गुणा तीन बटा चार की पावर माइनस पांच, इसको आप समझ रहे हैं। इसमें भी वही तरीका है कि आपके आधार सेम है तो गुणा भी क्या हो जाएगा, घाते भी हो जाएंगे, तो तीन और माइनस पांच को जोड़ देना है। नियम साइड में आप देख सकते हो तीन बटा चार की पावर तीन प्लस माइनस करना माइनस तीन माइनस पांच यानी घटाना है, पांच में से तीन जाएगा कितना बचेगा दो, और माइनस का चिन्ह बड़ी जाएगा सामने। अब आपका तीन बटा चार की पावर माइनस दो होने का मतलब है आप इसका परसार नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसको उलट के चार बटा तीन करके पावर को प्लस करना होगा। अब चार बटा तीन को दो बार लेकर गुणा करोगे तो कितना आएगा सोलह बटा नौ, सोलह बटा नौ इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है बच्चों। ये आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब आगे की चीज समस्या है, माइनस एक बटा आठ और नंबर माइनस पच्चीस बटा सात, ये आपके क्वेश्चन है जिनको आपको किसमें बदलना है, घातांक रूप में बदलना है। तो इनको अगर घातांक रूप में बदलना है तो कैसे बदलना, देखिए
जब भी कोई संख्या लिखी होगी उसको घातांक रूप में बदलना है, तो आपको क्या करना है उसके अभाज्य रूप में करना है। क्या करना है? अभाज्य रूप में। आंसर है तो उसके भी अभाज्य रूप में, है तो उसके भी अभाज्य रूप में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके 1/64 है, तो 1/64 में 1 का अभाज्य रूप में आपको पता है 1 होगा, 2 का है तो 2 होगा, 3 का 3 होगा, लेकिन 4 को आप देख सकते हो 2 × 2, 6 को देख सकते हो 2 × 3, ऐसे 64 के अभाज्य रूप में करोगे तो वो आप आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 64 के अभाज्य रूप में क्या होंगे 2 आपको कितनी बार आएगा 6 बार। तो आप इसको अगर घातांक रूप में लिख रहे हो तो आपको 2 को 6 बार ऐसे गुणा में नहीं लिखना है, उसको घातांक में लिखना है। तो क्या करना, 2 की पावर 6, क्योंकि 2 जितनी बार गुणा कर रहा है आपको वो कितना टाइम है 6, वही उसकी क्या है पावर। 2 अगर 4 का लिखने में आता तो इसका मतलब 2 अपने आप को कितनी बार गुणा कर रहा है 4 का, इसका मतलब पावर कितनी बन रही है 4। तो 1/64 का घातांक रूप कितना आ गया 1/2 की पावर 6। ये आपका 1/64 का घातांक। आगे आप -8/27 से समझिए, तो -8/27 में आपको क्या करना है, 8 के लिए अभाज्य रूप में करना है 27 के लिए। 8 के अभाज्य रूप में बच्चों आप जानते हो 2 × 2 × 2 होगा, आप रखो फिर अभाज्य रूप में लगाएंगे। 27 के आपके 3 × 3 × 3 होगा, बार माइनस का चिन्ह है तो उसको बार माइनस का चिन्ह है लगा दो। अब समझे आगे, अब 2 को आप 3 बार गुणा कर रहे हो 2 की पावर 3, 3 को आप 3 बार कर रहे हो 3 की पावर 3, बार माइनस का चिन्ह लगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब आप -2/3/3 को और क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो इसमें 2/3/1 ठीक है बच्चों, 2/3/1 लिख सकते हो आप, क्योंकि पावर 3 इसके लिए पावर 3 इसके लिए, तो आप क्या लिख सकते हो घाते से होने का आधार है विभाज्य को बदलते पावर, आधार को विभाज्य करते 2 में 3 का भाग। लेकिन माइनस का चिन्ह अब आता है कि माइनस का चिन्ह कहाँ लगाए, माइनस का चिन्ह आप बाहर लगाओगे या अंदर लगाओगे, तो वो चीज समझिए कि जब माइनस का चिन्ह यहाँ करके दिया जाता है तो जब कोई पावर अपने सम संख्या आती है तो चिन्ह बाहर रहेगा, सम संख्या आती है चिन्ह बाहर रहेगा माइनस वाला, लेकिन विषम संख्या आएगी जैसे 3 आ गया 5 आ गया 7 आ गया 9 आ गया 11 आ गया तो चिन्ह कहाँ दे देना है। तो आपका -8/27 का जो घातांक होता है वो -2/3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन -1/8 के वही चीज की 1 का अभाज्य रूप में होगा नहीं, 8 को आप 2 को 3 बार घटा करके लिखोगे, माइनस का चिन्ह बाहर से आप लगा दें, -1/2 की पावर 3 लिख सकते हो। अब समझिए आप, अब इसमें आपसे -1/2 की पावर 3 में सही है ठीक है, लेकिन इस 1 पे अगर पावर 3 लिखो तो गलत हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि इसके भी पावर 3 इसके भी पावर 3, तो इसमें 1/2 की पावर 2 का 3 कह सकता हूं ठीक है बच्चों। लेकिन अब पावर 3 है और बार माइनस का चिन्ह है, तो इस चीज को नए रूप में बताया क्या लिख सकते हो, माइनस चिन्ह अंदर ले सकते हो, माइनस चिन्ह अंदर तब जाएगा जब पावर विषम है, बाहर तब रहेगा जब पावर सम है। पॉइंट इंपोर्टेंट है इसलिए नोट करते हैं। -1/2 की पावर 3 ये आपका आंसर हो गया, -1/8 का आंसर। अगला है आपका -25/49, तो इसको आप लिखोगे माइनस का चिन्ह 25 को आप 5 × 5 लिखते हो, 49 को 7 × 7 लिखते हो, अभाज्य रूप में 5 × 5 = 5 × 7 × 7 = 7। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, घात को आप एक साथ लिख देते, पावर लिखने में आ जाता, पावर को थोड़ा सा ऊपर लगाइए ठीक है बच्चों। अब 5 × 7 की पावर 2 एक साथ लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस का चिन्ह अब क्या करूँ, बाहर लगाऊं या अंदर लगाऊं। अब इसका आपको तरीका मैंने बताया था कि जब विषम है तो अंदर ले दो, सम है तो बाहर, विषम है तो माइनस चिन्ह अंदर ले दो, सब है तो माइनस का चिन्ह अगर यहाँ सामने दिया हुआ है तो उसको बाहर ही रखो, क्योंकि अगर आप अंदर ले लोगे तो माइनस की संख्या की पावर सम होने का मैंने बताया था रिजल्ट वापस क्या आता है धनात्मक आता है, तो आपको लेना चाहिए ना, इसलिए माइनस का चिन्ह बाहर रखो, तो विषम होगा तो कहाँ ले दो ना, यह आपके घातांक रूप करने का तरीका है। नेक्स्ट देखते आगे, तीसरा निम्न को सॉल्व कीजिए,
तो इसमें पहला जो है चार की घात पांच भाग चार की घात दो, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो अब भाग के सवाल है जिसमें सॉल्व करना, पहले गुणा के लिए भाग के लिए देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करना है, चार की पावर पांच भाग के चिन्ह को बटे की लाइन में बदल दो, आगे जिसका भाग बनेगा चार की घात इतना कर दो। इसके बाद में भाग में घाते घटाने गुणा में जोड़ चिन्ह चिन्ह जाकर क्योंकि ये भाग का चिन्ह बाकी जैसा दिख रहा है, तो याद कर लो बाकी जैसा मतलब भाग का चिन्ह है, भाग भाग में इसके अंदर लगाना है और गुणा में जो गुणा का चिन्ह जोड़ के जैसे इसके घाते जोड़ देते हैं। अब घटाना आपको जो है बड़े में से छोटा है, तो बड़ा आपका ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, यहाँ ऊपर है तो पांच में से दो बटेगा, अगर पांच नीचे रहता है तो पांच माइनस दो नीचे, जब ऊपर आपका घट रहा है तो नीचे कुछ नहीं बचेगा मतलब एक बचेगा, और अगर नीचे घट रहा है तो ऊपर कुछ नहीं बच रहा मतलब एक बच रहा है, जहां कुछ नहीं बच रहा वहां एक बच रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर नीचे एक बच रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर एक बच रहा है तो लिखने की जरूरत है, यानी यहाँ एक बच रहा है तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए चार की बात पांच माइनस दो बन जाती है, चार की बात तीन का मतलब है चार को तीन बार लेकर गुणा करना है, चार की पावर तीन आपको पता है चार का क्यूब कितना होता है चौसठ, तो इसका जो आंसर है वो आपका है चौसठ। इसमें जो आपके सामने आया है वो है ए की पावर एन भाग ए की पावर एन बराबर ए की पावर एन माइनस एन, जहां एन जो है आपका बड़ा है एन से, जब एम आपका एन से बड़ा है। अगला इसी में दो नंबर जिसमें आपको माइनस पांच की पावर चार में भाग लगाना है आपको माइनस पांच की पावर सात, ठीक है बच्चों, माइनस पांच की पावर चार में माइनस पांच की पावर सात का भाग लगाना आपको। तो तरीका वही है कि जब आधार सेम में भाग मिलाते लगाएंगे तो यहाँ आधार सेम का भाग मिलाते रहते, लेकिन ऊपर जाकर घटी जब नीचे घटेंगे तो देखते हैं अब क्या बचता है, इसको लिखेंगे माइनस पांच की पावर चार घटा माइनस पांच की पावर सात। अब आपको क्या करना है, इसमें घाते घटानी है तो घाते बड़े में से छोटी घटेगी, बड़ा यहाँ पर आपके नीचे है इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं बचा एक बचा, नीचे कुछ नहीं बचा एक बचा, नीचे एक लिखनी जरूरत है नहीं ऊपर एक लिखनी जरूरत पूरी पूरी, तो सात में से चार घटाना है तो बन गया एक बटा माइनस पांच की पावर सात में चार बटा तीन। अब माइनस पांच को तीन बार लिखे गुणा करना है तो माइनस पांच माइनस पांच माइनस पांच, ये तीन टाइम लिखे गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिए, या आप कैसे कह सकते हो माइनस की संख्या घात के सम होगी तो माइनस का एक बार सम होगा तो प्लस, तो यहाँ इसमें माइनस का एक बार पांच का क्यूब आप पढ़ लो, पांच का क्यूब होता है एक सौ पच्चीस, तो आपका रिजल्ट आया एक बटा माइनस का एक सौ पच्चीस, या आप कह सकते हो माइनस एक बटा एक सौ पच्चीस, ये आपका इस सवाल का क्या है आंसर है माइनस एक बटा एक सौ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको मान जात करना है, दरअसल छोटा क्वेश्चन तो ले रहा हूं मैं, उसमें आपको मान जात करना है। जैसे पहला है तीन की पावर दो पावर तीन, दूसरा है माइनस दो की पावर चार पावर दो, तीसरा है आपका तीन की पावर जीरो, और चौथा है आपका माइनस दो की पावर तीन माइनस तीन, पांचवा आपका दो की पावर जीरो गुना तीन की पावर जीरो, और लास्ट आता है इसमें दो की पावर जीरो प्लस पांच की पावर जीरो। इन क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिए बच्चों इसमें पहले का जो उत्तर आपका, तो देखिए पहले का घात पे घात अगर घातांक रूप में कोई संख्या है और उसके ऊपर वापस घात आ जाए तो उसको एक ही घात में बदलने के लिए उन घातों को क्या कर देते हैं गुणा, तो तीन की पावर कितना हो जाएगा दो गुना तीन, घाते क्या हो जाती है घात पे घात हो जाते गुणा, तो तीन गुणा दो ये भी घात एक भी घात घाते गुणा हो जाएगी तीन गुणा दो हो जाएगा छह, तो इसका उत्तर जो है वो तीन की पावर छह। अब तीन की पावर छह को आपको पहल करके लिखना नहीं है, इतना ही तो तीन की पावर छह। अगला है दूसरा माइनस दो की पावर चार, तो माइनस दो की पावर चार का मतलब है माइनस दो की पावर
आगे क्या हो जाएगा आपकी गुणा, यहाँ पर रूट लगा तो एन हुआ ए की पावर एन की पावर एन बराबर ए की पावर एन गुणा एन। ठीक है दोस्तों, ये जो याद रहा है तो माइनस फोर की पावर कितना रहेगा आठ, यानी माइनस फोर को आठ वाले के गुणा कर रहे हैं। आप कहो एक सरल करके लिख सकते हो, बाकी इतने छोड़ दो एक बार। तीसरा है तीन की पावर जीरो, तीसरे का आसान है किसी भी संख्या की पावर जीरो होने पर, ये धीरे धीरे दर्शक जीरो है, किसी भी संख्या की पावर जीरो होने पर मान ये होता है बस कंडीशन ये है कि आधार को जीरो नहीं होना चाहिए। आधार एक जहाँ है तीन है इसकी जगह जीरो हो गया तो जीरो की पावर जीरो कोई मतलब नहीं, उसका आइडेंटिटी रूप होता है उसका मान का कभी एक नहीं होता। ये ध्यान रखिए जीरो नहीं होता आधार कभी मान एक होगा, यहाँ आधार में कुछ भी हो सकता है प्लस का माइनस का बीन है पूर्णा। ठीक है बच्चों, तो तीन की पावर जीरो जब है इसका मान हो जाएगा एक, यहाँ ए की पावर जीरो बराबर, यहाँ नियम जो है वो है ए की पावर जीरो बराबर ए, ये नियम है। चौथा है माइनस दो की पावर, चौथे का आंसर है माइनस दो की पावर तीन माइनस तीन कितना हो गया आपका, माइनस दो की पावर तीन माइनस तीन है तो तीन में से तीन जब घटेगा तो कितना आ जाएगा जीरो, और माइनस दो की पावर फिर आपने बताया था किसी भी संख्या का जीरो कितना होता है एक, ये आपका चौथा सवाल हो गया। ठीक है बच्चों, अगला लेते हैं पांचवा सवाल। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ये बार बार आपको मिलाते रहिए, टेंथ क्लास की बुक या नाइन्थ क्लास की बुक या फिर और भी जो आपको क्वेश्चन लेते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। पांचवा क्वेश्चन का लेते हैं दो की पावर जीरो गुणा तीन की पावर जीरो, अभी बताया था किसी भी संख्या की पावर जीरो कितना होता है तीन की पावर जीरो कितना होगा एक, आगे भी क्वेश्चन क्या है गुणा में आ गई उसकी पावर जीरो तो वन, वन का किसी कितने बार गुणा करो, वन को अनंत टाइम में गुणा करोगे रिजल्ट क्या आएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का दो की पावर जीरो प्लस पांच की पावर जीरो, इसका कोई भी संख्या पावर जीरो एक, यहाँ पर भी पावर जीरो एक, लेकिन यहाँ की बात जोड़ना चाहिए इसलिए एक में एक गुणा नहीं हो रहा है, और एक और एक जोड़ के कितना बनाएगा दो। तो आज के ट्यूशन यहीं पर रखिए, इस ट्यूशन के साथ ही आज के इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है बच्चों, इनको मिलाइए, धन्यवाद।